अब हम सबसे बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भी आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। सो मैं तुमसे सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, वो पी ब्लॉक के अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। सी, पहली बात, तो डरो मत, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, यू कैन ईजली मेक 97, 98 और 100, तुम आराम से ला सकते हो, परेशान नहीं हो, चिल, लेट्स गो फॉर इट। सी, पी ब्लॉक एलिमेंट जो तुमको इस साल पढ़ना है या जो तुमने पढ़ा है वो है ग्रुप 15, 16, 17, 18। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज अ टॉपिक नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो तुम सबको बताना चाहिए बच्चे कि क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है द इनएबिलिटी ऑफ आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना इनर्ट पेयर इफेक्ट जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है उस ग्रुप का, है ना। अच्छा, वो एलिमेंट रेडियोएक्टिव नहीं होना चाहिए। लाइक इन ग्रुप 15 वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो हम याद कैसे करते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, तो ये जो बिस्मिथ है, बिस्मिथ का एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से +5। इट शुड, यू नो, ये ज्यादा स्टेबल +5 में होना चाहिए था, लेकिन बच्चे बिस्मिथ ज्यादा स्टेबल +3 में है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिथ बीइंग अ मेटल, इसको +5 आसानी से दिखाना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल +3 में है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल था अब वो न्यूक्लियस के पकड़ में आ गया बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बार इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ पी वाला। तो तुमने क्या ध्यान रखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा ग्रुप नंबर 15, 16, 17 इस साल तुम्हारे कोर्स में यहीं पे है, और ये बॉटम मोस्ट एलिमेंट पे होने वाला है। और इसमें होगा क्या कि तुम्हारे ग्रुप का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है, वो उससे दो कम दिखाएगा। इसे याद रखना। जैसे बिस्मिथ को, बिस्मिथ क्या है, बिस्मिथ ग्रुप 15 में आता है, तो ग्रुप 15 का जनरल तुम्हारा ओएस होता है -3 से लेके +5। तो बिस्मिथ को +5 आसानी से दिखाना चाहिए था, लेकिन बिस्मिथ क्या करेगा, +3 में ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ नेट पर इफेक्ट। फाइन, तो वैसे ही जब तुम और आगे जाओगे नंबर 16, व्हिच इज ओ से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। हम पोलोनियम की बात नहीं करते, वो रेडियोएक्टिव होता है। तो अब क्या हुआ, टेलूरियम, जैसे ग्रुप 16 के एलिमेंट दिखाते हैं -2 से लेके +6, लेकिन अब जो तुम्हारा टेलूरियम है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है। होना चाहिए था +6, दिखाना चाहिए था +6, लेकिन स्टेबल किसमें, +4 में। अब तुम चेक करो अगेन, हाईएस्ट ओएस क्या हुआ, +6, ज्यादा स्टेबल किसमें, +4 में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तब काम करता है जब तुम, जो बॉटम मोस्ट एलिमेंट है वो हाईएस्ट वाले से दो कम दिखा रहे हैं। फाइन, उसके बाद तो ये हो गया तुम्हारा सवाल इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। तुमसे कहेगा कि BiBiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चे, फाइन। तो ये सवाल था समथिंग अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। तो अगर मैं तुमको इन जनरल ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताऊं जो तुम्हें याद होने चाहिए, तो वो ये हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। फाइन, 16, ओ से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। फाइन, देन यू 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फिर कल बारिश इन अट्टा। फाइन, 18, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। फाइन, तो अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है एक तो इन सबका जनरल ओएस क्या होता है। तो जैसे अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो वो दिखाते हैं -3 से लेकर +5, नंबर 16 की -2 से लेकर +6, नंबर 17 की -1 से लेकर +7। ध्यान रहे, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा -1, इसीलिए द ओनली ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन इज HOF। कल वो सवाल पूछेगा तो तुम्हें क्या जवाब देना है, क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ओएस दिखा देता है। इसके अलावा फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है बच्चे, देन 18th वाले तो कोई ओएस दिखाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि
एक्चुअली क्या होता है बच्चे, 18th वाले होते हैं नोबल गैस, और वो तो फुली फिल्ड, चाहे उनका ऑक्टेट हो चाहे ड्यूप्लेट हो, वो तो ऐश मारते हैं लाइफ अपने, ठीक है। खैर, नाउ लेट्स बिगिन विथ ग्रुप नंबर 15 की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उनके सवाल। फाइन, नंबर 15 में नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बाकी सब के सब पॉली एटॉमिक, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक गैस, बाकी सब के सब पॉली एटॉमिक, इसीलिए N2 एग्जिस्ट करता है बच्चे। एक सवाल बनता है कि वाई N2 इज सो स्टेबल, तो आप ध्यान रखना इट्स N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसकी BDE बहुत ज्यादा है, तो अपनी BDE की वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, वो इनर्ट इन नेचर होता है। आप लोग अंकल चिप्स खाते हैं, लेस खाते हैं, उसमें उसका इस्तेमाल होता है बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। सो जब और आगे चलोगे आप, तो आप पाओगे कि जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, क्योंकि जब ये ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे इनके पास, तो इनका मास ज्यादा हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर आपकी किताब में एक सवाल लिखा है, एक लाइन लिखी है, ग्रुप नंबर 15 में एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आपको आना चाहिए कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है। कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने पड़ोसी हैं आपके, कितने हाथ हैं आपके। तो नाइट्रोजन मेनली +4 कोवेलेंसी दिखा सकता है, बट ध्यान रहे नाइट्रोजन +5 OS मैक्सिमम दिखा सकता है, बट कोवेलेंसी वो सिर्फ और सिर्फ +4 ही दिखाएगा, या सिर्फ 4 ही कोवेलेंसी दिखा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछेगा N2O5, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बताओ। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बच्चे, +5, कोवेलेंसी कितनी आएगी, +4। इसका डायग्राम याद करिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, देन एक और ओ लगाया बीच में, देन एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। जितने आपके हाथ होते हैं उतनी आपकी कोवेलेंसी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। फाइन, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अभी आपने क्या ध्यान रखना है, इसके जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रस एसिड का किताब में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है, और ये आपको आना चाहिए कि नाइट्रस एसिड का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो पता होना चाहिए। HNO2 गिव्स यू HNO3 +H2O + NO, HNO3 सॉरी HNO2 गिव्स यू HNO3 +H2O + NO, इसे रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल है आपकी किताब में, PF6- एग्जिस्ट बट NF6- कांट, क्या बोल, क्या हो गया? आप बोलोगे क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती, उसका साइज छोटा है, इट हैज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट डजंट एग्जिस्ट। फाइन, और आगे चलते हैं बच्चे। फिर आप आओगे अपनी किताब में पेज नंबर 167 पे, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, साइज छोटा है तो IE बहुत ज्यादा है, साइज छोटा है तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, गॉट द पॉइंट, साइज बहुत स्मॉल है, IE बहुत ज्यादा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। और आपने पढ़ा है क्लास 11th में गलती से कि नाइट्रोजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये एनोमलस प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की। यही सेम एनोमलस प्रॉपर्टी हो सकती है फ्लोरीन की, यही सेम एनोमलस प्रॉपर्टीज हो सकती है आपके ऑक्सीजन की। तो FON का जो रूल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या है, छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तीनों क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और तीनों क्या है, आई बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल आप इन तीनों में चिपका सकते हो, फॉर द पॉइंट। और आगे चलते हैं बच्चे। तो आप पाओगे कि नाइट्रोजन कैटेनेशन नहीं दिखा सकता, या सवाल ऐसे आएगा, N2 सॉरी P4 एग्जिस्ट बट यू कैन से N2 एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक, वेरस P4 एग्जिस्ट एट टेट्राटोमिक। कल को मान लो अगर ये सवाल आता है तो इसका जवाब कैसे दोगे आप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के केस में N ट्रिपल बॉन्ड N है, और जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है उसका जो NN सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट हैज N ट्रिपल बॉन्ड N एंड इट्स NN सिंगल बॉन्ड इज बियरिंग स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन,
दैट्स व्हाई अगर कल को वो कैटनेशन के लिए जाएगा तो उसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, तो जो बीच वाला एन है उसको रिपल्शन यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा तो टूट जाएगा। फाइन, सेकेंड चीज, कैटनेशन मेनली वो दिखाएंगे जिनकी बीडीई बहुत ज्यादा होती है। अब एन ट्रिपल बॉन्ड एन में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन द एन एन सिंगल बॉन्ड इज वेरी वीक, तो इमिडिएटली टूट जाएगा बच्चे। इस बात को ध्यान रखिएगा सबके सब कि नाइट्रोजन कैटनेशन नहीं दिखा सकता, फास्फोरस कैटनेशन दिखा सकता है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो पी4 की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। फाइन, सेम आंसर। खैर अभी छोड़ो, वो 16 में डिस्कस करेंगे अपन, आगे चलते हैं जरा किताब में। और आगे चलोगे तो बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है आपके सवाल एक कि R3P डबल बॉन्ड डो एग्जिस्ट, आई रिपीट, R3P डबल बॉन्ड डो एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड ओ कांट। ध्यान से चेक करना, नाइट्रोजन के हाथ R3 हो गए तो बाबा इस साइड ही 3 हो गए, N डबल बॉन्ड ओ बोला तो 5 हो गए बच्चे, नाइट्रोजन 5 ही बनाएगा तो 4 ही बना सकता है, समझे। आगे चलते हैं, देन वी कम ऑन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, NH3 बना, देन PH3 बना, देन ASH3 बना, देन SBH3 बना, देन BIH3 बना। इस बात को ध्यान रखिएगा, दे फॉर्म EH3 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं वो, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड देन BIH3। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल बेसिक करेक्टर के ऊपर आता है कि किसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चे, जिसका जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो एज यू गो डाउन द ग्रुप बिस्मिथ का साइज बढ़ता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी, वो कम हो गई, और एन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, वो ज्यादा है। तो आप कहोगे कि इन द हाइड अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ, यू कैन से नाइट ग्रुप 15 NH3 इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू BIH3। फाइन, द नेक्स्ट सवाल इस पे आता है अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ध्यान के रखोगे कि जब भी तुमसे बोले पी ब्लॉक में, मतलब ग्रुप 15 के बारे में बोले, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में बोले, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एच को निकलना आसान होगा। जितनी जल्दी तुम एच को निकालोगे तुम उतने अच्छे आरए कहलाओगे। तो कहने का मतलब हुआ, एज वी गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, टेंडेंसी टू डिसोसिएट और यू कैन से बीडीई इज वेरी लो। एस थ्री का से इस आरए एस कंपेयर टू एस थ्री पॉइंट बच्चे। नेक्स्ट, फिर तुम आते हो थर्मल स्टेबिलिटी पे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हीट के प्रति, मैं अगर तुम्हें हीट करूं तुम कितने स्टेबल हो, तो भाई जिसका बॉन्ड लाइन छोटा होगा तो उसे हीट करना थोड़ा टफ होगा मेरे लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। दैट्स व्हाई NH3 इज थर्मली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू BIH3। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेरे ख्याल से बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टॉपिक है जो मेनली इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, मॉलिक्यूलर मासेस को, यू कैन से वैन डेर वाल्स फोर्सेस को। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि NH3 में एच बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और BIH3 में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है, साइज बड़ा है बिस्मिथ का, तो सबसे बड़ा हो गया जिसमें एच बॉन्डिंग है, तो वो कौन है, NH3। उसके बाद कौन सा है, BIH3। उसके बाद फिर तुम्हारा किस मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, एंटीमनी का, तो SbH3, और फिर किसका होगा, आर्सेनिक का, एट लास्ट PH3। तो इसे ध्यान रखिएगा बच्चे। फाइन, देन अगर मैं नीचे बात करूं उनके रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की, तो ये मेनली कंपाउंड फॉर्म करते हैं आई थिंक E2O3 एंड E2O5 का, अमंग विच N2O5 इज एक्सट्रीमली एसिडिक। तो इसे आप याद रखिएगा कि N2O5 बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, देन अगर फिर हम नीचे आए, हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, सो मेनली दे फॉर्म EX3 एंड EX5। फाइन, और नाइट्रोजन पेंटालाइड नहीं बना सकता, अगेन सेम रीजन, स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये बड़ा कॉमन सा है, आप हर जगह इसको चिपका सकते हैं, इन केस ऑफ एन का, जब लगे उसके हाथ 4 से ज्यादा हो गए तो। ठीक है, फिर आप आ जाओ एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल के दो सवाल है, मैंने आप दोनों आपको बता दिए, पढ़ लीजिएगा उसको। एक बड़ा फेमस सा सवाल है, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। तो बच्चे देखो, अगर जब भी तुमसे सवाल बोलेगा ना कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो वो ज्यादा कोवेलेंट होता है जिसकी शेयरिंग ज्यादा होगी, जिसके हाथ ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि इन केस ऑफ पेंटाहेलाइड्स, यू कैन से PCl5, वहां पे शेयरिंग ज्यादा है, वहां पे हाथ ज्यादा है,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा कोवलेंट है, क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा है. ठीक है, फाइन. देन वी कम ऑन डाइनाइट्रोजन, N2 इनर्ट गैस. ठीक है, बिकॉज ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, वेरी लार्ज बी डी यू कैन से. तो अब पूछता है कि आप कैसे N2 बना सकते हो. तो N2 बनाने के दो तरीके आपको पता होने चाहिए. एक तो होता है अमोनियम क्रोमेट को डिकम्पोज करके, उसकी रिएक्शन याद कर लीजिएगा. स्टिल रिपीट, अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा. सो सॉरी, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो ध्यान रखना उसमें N2 बनता है. उसकी रिएक्शन प्लीज NCRD से याद कर लीजिएगा. और सेकेंड चीज है बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड को हीट करोगे तो भी N2 बनेगा. तो अभी आपको तीन रिएक्शन, मैंने चार रिएक्शन हो गई आपके याद करने की. एक तो नाइट्रस एसिड की डिसप्रोपोर्शनेशन, दूसरी हो गई आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, तीसरी हो गई आपकी बेरियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, चौथी हो गई आपकी सोडियम एजाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन. तो ये आपको प्लीज अभी एक अभी तो आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. अब अगर आपसे कभी पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cu2+, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि Cu2+ के नीचे लिखा होगा ब्लू, +4NH3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, CuNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज होगा, और इसका कलर क्या होगा बच्चे, डीप ब्लू. ध्यान रखिएगा, फिर से बोलता हूँ, Cu2+ ब्लू +4NH3 विच गिव्स यू CuNH3 का होल 4 कॉम्प्लेक्स पे +2 रहेगा बच्चे, और वो डीप ब्लू होगा. तो ये एक और रिएक्शन आपके काम की हो गई. ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन में ये भी प्रूव होता है कि अमोनिया एक लिगैंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ लिगैंड. इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे. ठीक है, फिर और आगे चलते हैं. तो आपसे पूछेगा मेंशन द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया. तो इसमें आपको हेबर्स प्रोसेस पूरा बताना है कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसके टेम्परेचर क्या होते हैं, उसमें आप कैटलिस्ट Fe यूज करते हो, प्रमोटर MO यूज करते हो. तो ये आपको उससे बताना है और ये आपको याद होना चाहिए. हमें हर हाल में NCERT के सवाल पता होने चाहिए, चाहे वो इंटेक्स्ट हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज हो. सो आपको मेन फोकस अभी यही करना है, आप जीत सकते हो. यू कैन डू वेरी 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 वेल, हार मत मानो, लगे रहो. मुझे पता है पी ब्लॉक बहुत बोरिंग है, बट अब करना तो है ही, है ना. आगे चलते हैं. फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज थर्मली डिकम्पोज. तो जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस टूटेगा, आपको मिलेगा NO2 +PbO+O2. ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे. ठीक है, अगर और आगे चलते हो तो एक सवाल आता है कि वाई डज NO2 डाइमराइजेस, NO2 डाइमर क्यों फॉर्म करता है. जब भी ये सवाल आए से NO के ऊपर आ सकता है कि वाई डज NO डाइमर डाइमराइजेस, वाई डज NO2 डाइमराइजेस, तो वो डाइमर तब फॉर्म करेगा जब उसके पास एक लोन इलेक्ट्रॉन होगा. देखो मैंने लोन बोला, अकेला अकेला लोन पेयर नहीं बोला बाबा, मैंने बोला लोन इलेक्ट्रॉन होगा. तो या आप कह सकते हो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं. तो आपके कोर्स में इस बात को ध्यान रखिएगा, एनो डाइमराइजेस या फिर NO2 डाइमराइजेस, बिकॉज दे आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड बाय फॉर्मिंग अ डाइमर दे बिकम इवन नंबर, दे एक्वायर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. गॉट द पॉइंट बच्चे. अच्छा एक बात और, जिनके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो सब के सब कलर्ड कंपाउंड होते हैं नॉर्मली. ठीक है, आगे चलते हैं. देन वी डील विद द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन तो आपको बताना चाहिए इसके होते हैं, एक तो आपका HNO2, HNO3 और एक होगा H2N2O2. ठीक है, तो H2N2O2 का नाम हो गया हाइपो नाइट्रस एसिड, इट्स हाइपो नाइट्रस एसिड. ठीक है बच्चे, फिर आपको इसे पता होना चाहिए, सॉरी इसे पता होना चाहिए आपको कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं. तो नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका होता है आपका बाय यूजिंग ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस. कैसे बच्चे, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस को आप बना सकते हैं. ठीक है, फिर आप और आगे जाओगे तो उसमें एक रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 एंड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्क HNO3. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 एंड व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्क HNO3. ये तो आपको आने ही आने चाहिए हर हाल में. ठीक है, फिर आपके पेज नंबर 175 पे रिएक्शन दी हुई है आयोडीन की, कार्बन की, S8 की, P4 की विथ नाइट्रिक एसिड के साथ, पेज 175, तो वो आपको आना चाहिए. ठीक है, आपको ब्राउन रिंग टेस्ट का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है पता होना चाहिए, दैट इज Fe H2O का होल 5 NO कॉम्प्लेक्स बन किया SO4 पता होना चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है पता होना चाहिए, कि यहाँ पे NO पे चार्ज +1 है और यहाँ पे NO एक न्यूट्रल लिगैंड नहीं है, ये बात ध्यान रखें सबके सब. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे.
तो पूछेगा कि कहाँ यूज कर सकते हो HNO3 को। आप बोलोगे इट कैन बी यूज एज अ गुड ऑयल, इट कैन बी यूज एज अ पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नाइट्रेशन में यूज करते हैं, है ना, क्लास 11th में, तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं इसमें। रॉकेट फ्यूल में कुछ लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। बम बनाना यूज कर सकते हैं, और बढ़िया, TNT, ठीक है, फाइन। देन वी कम ऑन फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो मेनली नेचर में आपको मिलेगा P4 के फॉर्म में। फॉस्फोरस कैन बी रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा यहाँ पे कौन सा होगा, ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है ब्लैक फॉस्फोरस के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना ब्लैक फॉस्फोरस। देन आपसे सवाल पूछ सकता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। तो क्या ध्यान रखना है आपको, डिफरेंसेस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, वाई, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ऑफ 60 डिग्री। रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव। सेकेंड पॉइंट, व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज व्हाइट वैक्सी ट्रांसलूसेंट सॉलिड, रेड फॉस्फोरस हैज अ आयरन ग्रे लस्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हाइट फॉस्फोरस ग्लोज इन डार्क, दिस इज नोन एज स्कैम इल्यूमिनेसेंस, वेर एज रेड फॉस्फोरस डू नॉट ग्लो इन डार्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपको व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक फॉर्म, वेर एज रेड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज पॉलोमेरिक फॉर्म। तो प्लीज ध्यान रखिएगा बच्चे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉस्फीन के बनाने का तरीका। पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन P4 रिएक्ट्स विद NaOH प्लस H2O इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो आप बोलोगे क्या मिलेगा, PH3 प्लस NaH2PO2। और यहाँ पे जो PH3 होता है ना बच्चे, ये PH3, इसे फॉस्फीन कहते हैं और इसे यूज करते हैं हॉल में सिग्नल में, और ये भी वीकली बेस होता है। और कहाँ यूज कर सकते हैं PH3 को, स्मोक स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो PH3 को बनाने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, CA3P2 प्लस H2O गिव्स यू CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3। और एक और तरीका क्या होगा आपका, CA3P2 प्लस HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस PH3। तो ये तरीके आपको आने चाहिए इतने PH3 के ऊपर। ठीक है, फिर आप आ जाओ PCl3 PCl5 को के बनाने को तरीके को देख लेना। आपको ये ध्यान रखना है व्हाट हैपेंस व्हेन P4 रिएक्ट्स विद 6Cl2, इट विल गिव यू PCl3, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन P4 रिएक्ट्स विद 10Cl2, इट विल गिव यू PCl5। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको PCl5 में ये पता होना चाहिए कि PCl5 एक येलोइश वाइट पाउडर होता है, और मॉइस्चर में रखने पे ये टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में, और फादर ये PCl3 आपको HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा एज अ वाइट डेंस फ्यूम। तो पूछता है कि और हाउ इज वाइट डेंस फ्यूम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम PCl5, तो आपको ये पूरी रिएक्शन देनी होगी आप बच्चे। फिर सवाल इसमें आता है PCl5 के ऊपर। PCl5 जो है आपको पूछेगा कि क्या PCl5 में पांचों PCl के बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, तो आप कहोगे नहीं। उसमें क्या है, उसमें बच्चे दो एक्सियल हैं, तीन इक्वेटोरियल हैं, और वो जो दो एक्सियल हैं वो तीनों इक्वेटोरियल से बड़े हैं, बिकॉज दे सफर मोर स्टेरिक रिपल्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा। आपको बताना चाहिए इट विल एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। कभी आपसे पूछेगा कि क्या PCl5 एक ओए और आरए दोनों हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, PCl5 सिर्फ और सिर्फ एक ओए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, और वो कितना है बच्चे, +5 है। तो जो भी अपना मैक्सिमम ओएस दिखाते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड, इसलिए वो एक अच्छे ओए कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा अबाउट द क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के ऊपर। जितने भी फिगर हैं लाइक H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनकी बेसिसिटी निकालो, इनका रिड्यूसिंग करेक्टर बताओ। तो ये चीज ना पेज नंबर 179 180 आपको रटा होना चाहिए पूरा, इसके नाम क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरस क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक क्या है, फॉस्फोरिक क्या है। ठीक है, और फिर इनका रिड्यूसिंग करेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जितने भी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर निकालने के लिए उनका शेप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे आप। जितने ज्यादा पी और एच के लिंकेज बनेंगे वो उतना अच्छा आरए कहलाएगा, और जितने ज्यादा पी और ओएच के लिंकेज बनेंगे वो उतना अच्छा बेसिक कहलाएगा बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एट लास्ट आपसे पूछेगा कि H3PO3 का डिसप्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन बताओ।
H3PO3 गिव्स यू H3PO4 प्लस PH3। फिर आपसे पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन AgNO3 इज ट्रीटेड विद H3PO2। तो बेटा H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको देगा Ag प्लस HNO3 प्लस H3PO4। अब ये आपका ग्रुप नंबर 15 खत्म। कुछ देर बाद मैं आपसे मिलूंगा नंबर 16 को लेके। टिल देन एंजॉय द शो।